एतान् वयं विजेष्यामहो यदि देवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वम् यो नो अर्थवाय कल्पते. Unless providence is in our favor, we shall not be able to gain victory. Therefore, we must wait for that favorable time when our defeating them will be possible. The first thing for meditation here is that Bali Maharaj is called Sthita Prajna. Is Sthita Prajna Shabd Bhat Sundar Shabd hai. Bhagavad Gita mein Arjun Krishna ko poochte hain Sthita Prajna se ka bhasha dusre adhyay mein. Sthita Prajna kaise pata chalega? Bhagavad Gita mein Krishna ji bolte hain yada te moh kalilam. Jo log duniya ke moh se mukt ho chuke hain ab unko kuch na sunne ka kuch sunne ka zarurat nahi. To Arjun bolte hain ek cheez batao, Sthita Prajna se ka bhasha, is Sthita Prajna ko kaise pakad sakte hain? जो इस दुनिया के माया से टोटली मुक्त, कैसे उसको हम समझ सकते हैं? कौन है? सभी बोलेंगे माया मेरे को नहीं छू सकती है ना, लेकिन कैसे पता चलता है? वो क्या उसकी चाल होती है, कैसे बैठता है, वो क्या बोलता है, क्या भाषा? सबसे इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न है, क्या भाषा, क्या बोलता है वो? अर्जुन का ये प्रश्न. फिर कृष्ण जी उसको बहुत तरह से आंसर करते हैं. एंड बिगिंस विद प्रजाहति यदा कामान सर्वापार्थ मनोगता आत्मनिवात्मना तुष्ट सिद्धपग्न से उच्चते प्रजहति अदा कामा. जितने इंद्रिय भोग की वस्तु है वो समझता है मन के अंदर ही, बाहर इसका कोई वैल्यू नहीं. हमारे मन की कल्पना है कि ये इंद्रिय भोग की वस्तु मेरे को तृप्त कर सकती है, ये मन की कल्पना है. जब आदमी को ये समझ आ जाता है और वो आध्यात्मिक सुख में संतुष्ट रहता है और भोग की वस्तु की तरफ उसका मन विचलित नहीं होता, उसको सिद्धपग्न बोला जा सकता है. मेरे कितना अच्छा डेफिनेशन है. प्रजहति यदा कामान सर्वपार्थ मनोगता. अभी तो बोलना तो आसान है लेकिन पूरा जिंदगी लगेगा इसको दर्शन करने का. मनोगता, जितने इंद्रिय भोग की हम कल्पना करते हैं वो मन में ही है, बाहर कुछ नहीं है. इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, सुख खाली कल्पना के रूप में एग्जिस्ट करता है. उसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटिसिपेशन. एक हम एक एंटिसिपेशन का परफेक्ट शब्द क्या होगा हिंदी में? क्या हिंदी का शब्द होगा? इतनी खुशी हो जाए. वो एक आईफोन है 1 लाख का, वो मिल जाए, अरे मेरा जीवन सफल हो जाएगा ना. लोग ऐसा सोचते हैं नहीं, और क्या चाहिए जिंदगी, तो जिंदगी सफल हो गई. एक गोवाली कार मिल जाए, अरे अरे मेरी जिंदगी सफल. वो तो सुंदर स्त्री मिल जाए बीवी के रूप, मेरी जिंदगी सफल. तो ये कल्पना ये खाली मन के अंदर है, आनंद नहीं है किसी भी एक वस्तु में, आनंद नहीं है. क्योंकि कृष्ण जो गीता में बोल चुके हैं क्या, दुखार्यम अशाश्वतम. ये दुनिया खाली दुख देने के लिए और ये अशाश्वतम. ये दुनिया, ये मायावादी लोग भी दुनिया को टेम्परेरी बोलते हैं लेकिन फर्क है.
वो बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक पॉइंट समझ लेते हैं, क्या बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आत्मा तो सत्य है, ये दुनिया एक कल्पना है, कल्पना नहीं है, टेम्परेरी है, और टेम्परेरी है, और इस टेम्परेरी जगत में बहुत वैल्यूबल काम कर सकती है दुनिया। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अध्रुवम अर्थदम, वो लोग तो इस दुनिया को रिजेक्ट कर देते हैं, हम इस दुनिया को रिजेक्ट नहीं करते, हम इस दुनिया को बहुत, अरे फूल दिख रहा है टेम्पररी, लेकिन फूल को भगवान को लगा दो परमानेंट बेनिफिट मिल जाएगा, है ना, नित्य बेनिफिट मिल जाएगा, ये तो फूल तो शाश्वत है, लेकिन फूल को अगर भगवान को अर्पित किया हमको सनातन फल मिल जाएगा। तो दुनिया तो टेम्पररी है लेकिन सनातन फल दे सकती है दुनिया, ये दुनिया टेम्पररी है लेकिन उसका कुछ यूटिलिटी है, हर चीज का यूटिलिटी है, जैसे कुत्ते का शरीर देखा, कल्पना, कल्पना नहीं है, वह शरीर है, उसमें जो जीव जी रहा है उसको आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है ना, हर जानवर के शरीर में थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आध्यात्मिक प्रगति होके वो मनुष्य के शरीर में आता है, मनुष्य के शरीर में आके भी उसको देखने का, ये तो मिथ्या मिथ्या नहीं है शरीर, इस शरीर से भगवान का सेवा हो सकता है आराम से, जानवर का शरीर में सेवा करना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर कुत्ता मंदिर में घुसेगा तो उसको डंडा मार के भगा देता है ना, ना तो भगवान का नाम जप कर सकता है, ना भगवान को नमस्कार कर सकता है, बहुत मुश्किल है उसका जीवन में भगवान की सेवा करना। लेकिन मनुष्य जीवन में ये तो शरीर तो शाश्वत है, ये शरीर तो कुछ टाइम के लिए, इट्स अ टेम्पररी बॉडी, बट बाय दिस टेम्पररी बॉडी आई कैन गेट इटर्नल बेनिफिट, है ना, ये बुद्धि इसको बोलते हैं बुद्धि। मायावादी लोग इस दुनिया को रिजेक्ट करते हैं, भक्त लोग इस दुनिया को रिजेक्ट नहीं करते, वो दुनिया को भगवान के सेवा में लगाना चाहते हैं, उससे क्या होता है ये दुनिया उनको काटती नहीं है। मायावादी लोग ये दुनिया देख कर फूल आकर्षित हो गए, हमने इस फूल की तरफ, ऐसे पागल हो, ये तो फूल कुछ नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी से ही बना है, मिट्टी है, लेकिन हमको आकर्षित हो रहे हैं, हम तो माया है, उनको माया बोलते हैं, हम बोल रहे हैं। जब हम भगवान के अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाते हैं, तो इंद्रिया सांप के रूप में है, जो इंद्रिया सांप के रूप में बहुत डरावनी लगती है इंद्रिया, द सेंसेस आर वेरी डेंजरस, but then for a devotee they become like senses where the poison has been removed. अगर आपके घर में छह सांप हो, मृत्यु एवं न संशय, मृत्यु तो हो ही जाएगी, है ना, आप घर में जी रहे हो, छह सांप घूम रहे हैं, एक दिन तो पैर पड़ेगा और काट देगा, बट अगर उन सांपों के आप जो है निकाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इंद्रियों के साथ तो रहना है ही हमको, we have to live with the senses, नहीं है चलो पांच इंद्रिय और मन के बिना रह सकते, रहना तो पड़ेगा, लेकिन अगर ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे आपको नहीं खाते, ये चीज मायावादी लोग नहीं समझते, जनरली सोसाइटी मायावादी से पूरा कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आता कि भक्त लोग इतना ऐश्वर्य में बड़े बड़ा मंदिर में रह के, तो मायावादीज कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ डिवोटीज लिविंग इन ऑपुलेंट पैलेसेस कैन बी डिवोटीज, दे से नो वी शुड लिव इन अ ग्रास हट, वसंत प्रभुपाद बिल्ड अ मार्बल पैलेस, भाग बजाए, है ना, बट जनरली पीपल अंडरस्टैंड नो वी शुड नॉट हैव, ही यूज्ड टू पर्सनली गो इन अ कार रोल्स रॉय, वसंत प्रभुपाद पीपल हाउ वी कैन प्रीच, ही वाज प्रीचर, ही वाज पावरफुली प्रीचिंग, सो डिवोटी अ वैष्णव इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ही डज नॉट सी एनीथिंग एज इल्यूजन, यूटिलिटी इज अ principle, anything he sees he offers for service of Krishna, he has no hesitation, he doesn't hesitate, anything can be used, yes, but Prabhupada was sitting, Mangalore Prabhupada ji class hai nahi gaya, I'll just speak in Hindi, 2 minutes we can understand, so waha class mein kisi ne unke asan ke niche kuch 10,000 rupaye rakh diye, suna wo jo maza aaya bataya na, 10,000 rupaye unke asan ke niche ghusa diye, तो पहले मायावादी उधर गया था, मायावादी लोग तो हर चीज को मिथ्या ही बोलते हैं, तो पैसा देखा मायावादी ने, पैसा पैसा छुआ भी नहीं, तो आदमी बड़ा खुश होकर पैसे को देगा, कितना स्वामी पूरा त्याग कर दिया, तो प्रभुपाद जी बैठे उसी आसन में, कुछ टाइम बाद उनका प्रवचन था, गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, तो उस सेठ ने उनके उस आसन के नीचे 10,000 रुपये छुपा दिया, तो प्रभुपाद जी बैठे तो उनको लगा ये कुछ है इधर, उन्होंने ऊपर किया और 10,000 का बड़ा बंडल, तो अपने सर्वेंट को बोला रख, तो वो आदमी तो हो गया, अरे स्वामी जी फेल हो गए, और स्वामी जी को तो पैसा चाहिए, तो स्वामी जी आपको कितना पैसा चाहिए, तो प्रभुपाद जी बोले कौतो आचे कितना है लाओ,
क्यों? उनको वो मिथ्या नहीं दिख रहा, वो उसको यूटिलिटी दिख रहा है, वो पैसे से इंद्रिय भोग नहीं करने वाले, वो पैसे से कृष्ण की सेवा दिख रही उनको। करेक्ट। तो भक्त को सुंदर मंदिर देखता है, उसको क्या दिखता है? ये भगवान की सेवा के लिए देखता है। अब लोग मंदिर आएंगे तो झोपड़ी में रह सकते, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। प्रभुपाद जी बोलते थे, भक्त को बोल रहे थे, अगर ये मैं झोपड़ी बनाता तो मैं से कोई नहीं आता। करेक्ट, है ना? पब्लिक प्रचार के लिए सोच रहे हैं। टेम्पररी है, दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, बट वी आर लुकिंग एट द यूटिलिटी। द मायावादी दे से दिस इज मिथ्या, इल्यूजन, वी से इट्स नॉट इल्यूजन, इट इज टेम्पररी, टेम्पररी विद अ यूटिलिटी। जस्ट लाइक बॉडी, इट्स एन इल्यूजन, इट्स नॉट एन इल्यूजन, इट इज टेम्पररी, इट हैज अ यूटिलिटी। एंड प्रहलाद महाराज सेज, कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतम इहा दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अध्रुव अर्थदम। इवन दो द बॉडी इज टेम्पररी, इट इज वेरी वैल्यूबल, है ना? क्या है, शरीर मर जाएगा तो चलो ठीक है, मर जाएगा, लेकिन अभी इसे बहुत काम हो सकता है, बहुत काम हो सकता है। शरीर टेम्पररी है, बट दिस बॉडी इज टेम्पररी बट वेरी वेरी वैल्यूबल। इवन टेम्पररी कैन नॉट, जस्ट लाइक अ मड पॉट इज देयर, उसे पानी ले जा सकते हो। वी वर रीडिंग अबाउट यस्टरडे अबाउट रंतिदेवा, रंतिदेवा वशिष्ठ मुनि को ठंडा पानी पिलाया। हम सोच रहे थे ठंडा पानी कैसे पिलाया, अरे उसमें फ्रिज थोड़ी होता था, वो मटके में रखा होगा, वैसे ही ठंडा होता था ना पहले, कैसे ठंडा? बट देन व्हाट दे डिड विद दैट, ही ऑफर्ड इट टू वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि बिकेम प्लीज्ड एंड ही गेव, सेंड हिम हेवन, स्वर्ग मिल गया उसको एक सेवा करके, पावरफुल ऋषि। सो द पॉइंट इज, वी कैन हैव परमानेंट बेनिफिट by using temporary. So that is one part which I can, something else you were discussing here, this that point we discussed yesterday late night class, so just one better. So still Prajna, that is the definition given in Bhagavad Gita, various definitions are given. First definition we should take, utna to samajh lo, still Prajna ka matlab kya hai ki jo bhi indriya bhog ka man mein cheez aati hai wo ek kalpana hai, kamna hai, इंद्रिय भोग इस, मैं सुख इस दुनिया में नहीं है, सुख खाली वैकुंठ जगत में, इस दुनिया में सुख होता ही नहीं है, लेकिन सुख है कल्पना में। कैसा होगा जब वो चीज़ आपको मिलेगी, कोई सुख नहीं, कल्पना में ही जिंदगी व्यर्थ कर देते हैं, है ना? ये चीज़ समझने में पूरी जिंदगी लगती है, ऐसा नहीं, बोलना आसान है, सो इसको गौर से सोचना चाहिए। जो भी हम कृष्ण जी बोलते हैं ना, प्रजाहते यदा कामा सर्व पाप मनोगतान, इसको रिपीट करते रहिए, सोचिए आपको दर्शन मिलेगा कृष्ण का। तो पहला चीफ प्रॉपर सेस बलि महाराज शोड ही इज अ सिद्ध भक्त, क्यों? सब कुछ उसे ले लिया और उनको पब्लिक में बांध दिया रस्सी से, पेशा है ना, सारा पोजिशन निकल गया, लेकिन फिर भी डिटरमिनेंट है वो कृष्ण का सेवा करना, कितना महान भक्त। दूसरा चीफ प्रॉपर जी बोल रहे हैं, विद दिस एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग मोर, व्हाट इज समथिंग मोर वी कैन अंडरस्टैंड, दैट sometimes Krishna takes away from a devotee his wealth. Okay? Our Krishna only gives, that's a Prahlad Maharaj will come now, he will say, he will offer prema, my Lord, you only gave to my grandson so much offer. Now you are only taking away. Both the times you are wonderful. Lekin Bhagwan jab deta hai, hum logo usko wonderful bolte hai. Bhagwan ki kripa, kisi ke paas jao, you have such a beautiful house, even his normal person also, you go to India, such a beautiful house. Yeah, it's God's grace. He accepts. But when he becomes bankrupt, he does not say it's God's grace. That is also God's grace. जब कंगाल जाता है उसको भगवान की कृपा नहीं मांगता। वो क्या हुआ? बीमार पड़ गया, कैसे? भगवान की कृपा है। कभी नहीं बोलता। उसमें भगवान की कृपा नहीं है। दोनों से भगवान की कृपा। क्योंकि टोटल सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। And if you can see the God's mercy even in difficulty, and understand he is not responsible, atmakritam vipakam, maybe I behave irresponsibly, so that taken, he has taken away that facility from me, still we should be having faith, we don't blame him. Bhunjana atmakritam vipakam, I am suffering because of my own papakam, because of my own irresponsible behavior, today I am suffering, I don't blame Krishna. Attitude is a very nice attitude. Bunjana Atmakritam Vipakam. So Prabhupada says, the very nice shloka he is quoting, is a famous shloka. This is the shloka. Yasyaham Anugrahani Harishe Tad Dhanam Shane. Prabhupada ji apna movement chala rahe, bahut bada movement chal raha hai.
लेकिन उसके पहले उनकी स्थिति अलग थी, कुछ उनका बहुत बड़ा बिजनेस था और उनके जितने भी गॉड ब्रदर्स थे, ऑल इज गॉड ब्रदर्स, दे वर साधु, वो घर घर जाके भीख मांगते थे, भाई कुछ दक्षिणा दे दो. सो प्रॉपर से व्हाट द यूज, आई डोंट हैव टू बेग लाइक माय गॉड ब्रदर्स, आई एम अ रिच मैन, विद दिस मनी आई विल प्रिंट बैक टू गॉड एंड मैगजीन, विद दिस मनी आई विल स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स. ही थॉट लाइक दैट. सो कृष्णा सेड, ओह लाइक दिस यू वांट टू डू, हां. सो व्हाट डज कृष्णा डू, कताल कर दिया, ही मेड हिम बैंकरप्ट, ही डिड नॉट हैव 1 रुपी विद हिम. He writes a letter to his father-in-law, please save my engine, my name. He was finished. Totally helpless Krishna made him. Then Prabhupada remembered this shloka. And he took it as a mercy of Krishna. Yasyaham anugrahanami harisheta dhanam shanayi. Okay? Yasyaham anugrahanami. Okay? As a mercy. So then you understand it is Krishna's favor that he has been made in bankrupt. And that is Bali Maharaj. Bali Maharaj was still loving Krishna. Still he had faith in Krishna. He saw mercy of Krishna even in taking away everything. That's not easy. Therefore he is a great acharya. And Krishna arrested him and insulted him in public. That also he saw as mercy. And physically things you take, but insert is very difficult to handle, correct? Somebody publicly, so public mein koi bejati karte yaar, usko bhi Bhagwan ki kripa mano vaasa nahi. Bhagwan ne sara dhan le liya, chalo wo utna mushkil nahi hai, dhan to le lo, lekin bejat nahi karna, hai na, bolte hai na, dhan bhi le liya aur public mein bejat kiya. Hey, jhoote, tu mere ko bola to 3 step dega aur 2 step ke baad kidhar hunga tere sath, tu jhoota hai, tu chor hai, aise usko Vaman Dev started inserting. You are insulting him. You are a thief. You are a liar. You said that you will give me 3 steps. Where is the third step? You liar. You cheat. It's insulting. And Bali Maharaj's faith is tested. His faith is very solid. No disturb. Correct? We will lose faith in God. Correct? We cannot handle this. True? Little. So we can see how Bali Maharaj is being shown as a great devotee. His faith is not shaken, still he is rather not shaken from his determination to serve the Lord. Just imagine, you want to serve somebody and that person comes and says, give me something. Is he rather going to keep? Suppose, now just take another. You have a arm, you are in a particular place and some person comes and what does he do? आपको बोलता है थोड़ा एक डोनेशन चाहिए, ठीक है, तो मेरा दोस्त है तेरे को मदद करेंगे, नहीं जो कुछ है सब दे दे, चलो ओके, ही गिव टू योर फ्रेंड एवरीथिंग. नेक्स्ट आफ्टर दैट ही टेक्स यू ऑन द स्ट्रीट एंड ही इंसर्ट्स इन पब्लिक. झूठे चोर पाखंडी ऐसा ऐसे जोर जोर का बोल रहा है और आपका मन स्थिर है, मेरे को उसको मदद करनी है, वो असली दोस्त हुआ नहीं हुआ, है ना. That is, you can understand how Vamadeva is actually showing to the world how great devotee Bali Maharaj is. And it's not that he's just entertaining himself by doing this kind of, you know, bad things to his devotee. No, no, no. That is not his obsession. Bali Maharaj had become attached to the opulence. He had become a bit proud. So he was doing this treatment for him to come out of his little trouble. It's like Indra. I had become a bit proud, so Lord lifted the golden hill to treat him out of his pride. So similarly, when the Lord showed the huge Vishwarupa, Bali Maharaj understood, I am so small. And took everything from him. Now where is your pride? I have nothing, I have only Vamadeva. He surrendered to Lord Vamadeva. And he offered even his life. Vamadeva said, you have captured my heart. Whatever you captured my heart. Okay, so they were never eluded. Krishna is Abhuta Karma, he doesn't do any mistake. Sometimes you think, what is God doing? He does everything wonderful. His act is very wonderful and giving an opportunity for Bali Maharaj to surrender everything. And he took that opportunity. And even after that, when he insulted him publicly, Bali Maharaj stood still firm on the ground. It's like
ओनली वेरी सरेंडर यू कैन डू. जैसे नाई के पास जाते हो, अगर सरेंडर नहीं होगा तो बाल कैसे काटेगा? हम लोग तो नहीं जाते, कुछ लोग ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, ब्यूटिशियन काम में लगा हुआ अपना. कृष्णा वॉन्ट्स टू मोल्ड अस, वी शुड बी सरेंडर. Every situation in the life. Not here, Lord Vamadev personally present. We are not supposed to. But at least I understand every situation, every experience you are going through is arranged by the Lord. Happiness. Okay? It is for your spiritual advancement. And Krishna can mystically do this simultaneously for everyone. Every moment, 24 hours, a movie is running in front of you, the day and the night. This is for your spiritual advancement. And never an exam can be there which you cannot pass. Every moment you have to pass an exam. Remember Krishna, forget Maya. Remember Krishna, forget every moment. Har shani exam hota. Kabhi exam aisa nahi hota jisko aap pass nahi kar sakte. Kabhi aisa exam nahi hota. Har shani ek exam hota. Maya ke indre bhool ka ek dedi. Movie chal rahi. Indre bhool karo. जब आप नहीं नहीं करते हो तो स्टार्ट कर दीजिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की.